हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पाइथन का एक छोटा सा मॉड्यूल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं स्पीच रिकॉग्निशन। दैट मीन्स हमको क्या करना है इस वीडियो में, हमें एक ऑडियो इनपुट लेना है। हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को ऑडियो फॉर्मेट में इनपुट दें और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीका यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल तरीका यूज़ करेंगे। विद इन फ्यू लाइन्स ऑफ कोड हम लोग क्या कर पाएंगे, अपनी वॉइस को एज अ इनपुट लेंगे और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके बाद प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम लोग ये क्यों करने जा रहे हैं, चलिए हम पहले आपको समझाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हम लोगों ने यहाँ पे एक चैटबॉट बनाया था जिसके अंदर 3 पार्ट्स थे। चैटबॉट के अंदर 3 पार्ट्स थे। सबसे पहले मैंने बेसिक समझाया था, उसके बाद हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था दूसरे वीडियो में, और तीसरी वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट किया था। दैट मीन्स हमने अपने चैटबॉट को क्या किया था, स्पीक कराया था। हम लोग जो आंसर ले रहे थे उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट के साथ साथ हम लोग उसको ऑडियो फॉर्मेट में भी आउटपुट दे रहे थे। दैट मीन्स हम लोग चैटबॉट को स्पीक करा रहे थे, वो स्पीकर का यूज़ करके हमें ऑडियो फॉर्मेट का डेटा आउटपुट में दे रहा था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसका पार्ट 4, जिसमें हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन करेंगे और हम चाहते हैं कि हम एज अ इनपुट जो हम कमांड लिख के दे रहे थे उसको भी हम लोग एज अ इनपुट वॉइस से भी दे सकें। तो अगर हम चैटबॉट को बोलना चाहते हैं हे हाउ आर यू, तो चैटबॉट क्या करे, हे हाउ आर यू इनपुट ले आपकी वॉइस से, आप बस स्पीक कर दीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाए। आपके पास दोनों ऑप्शन हो, आपके पास आप टाइप करके भी दे सकते हो और आप क्या कर सकते हो, आप ऑडियो के फॉर्मेट में भी डेटा इनपुट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आउटपुट वाला तो दोनों हो गया था भाई, हम आउटपुट टेक्स्ट के फॉर्मेट भी दे रहे थे और हम लोग वॉइस के फॉर्मेट भी दे रहे थे। अब हम लोग इनपुट देना है, तो उस फोर्थ पार्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले स्पीक रिकॉग्निशन आना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन पाइथन में कैसे कर सकते हैं विद इन फ्यू लाइंस ऑफ कोड। तो हमारे साथ बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू आर अ पाइथन लवर, अगर आप पाइथन लवर हो, पाइथन में इंटरेस्ट रखते हो, तो हमारी ये सीरीज जाके देख लीजिए। हमने यहाँ पे पाइथन के बेसिक्स बनाया है, फिर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फिर बेसिक कैलकुलेटर बनाया था, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और उसके बाद हमने बहुत सारी वीडियोज़ पाइथन में बना दी है। तो आप जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, आपको बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और हम लोग बनाते हैं वॉइस टू टेक्स्ट, दैट मींस स्पीक रिकॉग्निशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं स्पीक रिकॉग्निशन मॉड्यूल। तो आप गूगल पे जाओगे, सबसे पहले स्पीक रिकॉग्निशन मॉड्यूल के बारे में सर्च करोगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे गूगल पे टाइप किया स्पीक रिकॉग्निशन पाइथन, उसके बाद जो पहली वेबसाइट होगी आप इसको ओपन कर लोगे, ये है pypy.org। तो इसको ओपन कर लोगे, आप डायरेक्ट कोड पे नहीं जाओगे, सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है उसको देखोगे, सीखोगे। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए, उसको सीखिए कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, स्पीक रिकॉग्निशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा pip install स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे तो ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा क्योंकि अभी यूज़ करना होगा। उसके बाद अगर आप इस तरफ देख पाओगे तो इन्होंने सारी चीज़ बताया हुआ है। अभी आप लोग क्या करिए, आराम से बैठ कर इस चीज़ को पढ़िए। इसकी एक रिक्वायरमेंट है और भी, देखिए इसकी रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास 3.3++ कोई भी वर्जन है पाइथन का तो यूज़ कर सकते हो। तो मैं पाइथन का यहाँ वर्जन 3.7 यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ मेरे में कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़, अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको पाई ऑडियो मॉड्यूल भी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पाई ऑडियो, ब्रैकेट में लिखा है फॉर माइक्रोफोन यूज़र। अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये मॉड्यूल भी चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई माइक्रोफोन ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर भी मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपना कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, और यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है पाइथन का आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो आपको टाइप करना है python --version और एंटर कर देना है। तो देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन 3.7.1, परफेक्ट, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 3.3 के बाद आप कोई वर्जन पे हो तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं pip मेरे में इंस्टॉल है, तो आप टाइप करोगे pip --version, तो ये बता देगा pip का भी कौन सा वर्जन है। ठीक है, तो अगर आप ये कमांड टाइप करते हो और आपको ये चीज़ नहीं दिखती है तो आप क्या करिए, पाथ को सेट करिए, पाथ आपके में सही से सेट नहीं है। ठीक है, तो मेरे में pip भी इंस्टॉल है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपना स्पीच रिकॉग्निशन वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल। हम लोग कमांड टाइप करेंगे ये pip install speech recognition, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और सिंपली आएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे
पेस्ट कर देंगे, ठीक है, या खुद से भी टाइप भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हो pip install speech recognition और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके में नेट चलना चाहिए, अदरवाइज नेट नहीं चलेगा तो ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो नेट ऑन होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो देखिए मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे में क्या है, ये वाला स्पीच रिकॉग्निशन वाला मॉड्यूल पहले से इंस्टॉल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंस्टॉल है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। नेक्स्ट चीज, अगर आप माइक्रोफोन यूज़ करते हो, जैसा कि ये डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है, जैसे नीचे आएंगे तो रिक्वायरमेंट में ये बताएगा, ठीक है, पाई ऑडियो इज रिक्वायर्ड इफ एंड ओनली इफ यू वांट टू यूज माइक्रोफोन इनपुट, पाई ऑडियो वर्जन दिस इज बता रहा है। तो आपको अगर आप माइक्रोफोन यूज करना है तो आपको एक कमांड और चलाना है, pip install pi audio, ठीक है, एंटर कर देना है। तो अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो आपका ये डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे में देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स पाई ऑडियो भी इंस्टॉल है और हमारे में ये वाला भी इंस्टॉल है, स्पीच रिकग्निशन। तो अगर आप दोनों चीज़ें इंस्टॉल है तो आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। इन्होंने एक कमांड दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये चीज़ कमांड, ये देखिए कह रहा है टू क्विकली ट्राई आउट रन दिस कमांड python-m स्पीच रिकग्निशन आफ्टर इंस्टॉलिंग। तो अगर आप इस कमांड को रन करते हो, इस कमांड को python-m स्पीच अंडरस्कोर रिकग्निशन, या देख लेते हैं भाई रिकग्निशन, और एंटर कर दोगे तो देखो से समथिंग, हेलो व्हाट इज योर नेम, तो देखिए गॉट इट, ये देख रहा, ये देखिए ये कह रहा है ये आपने बोला है, फिर से कह रहा है से समथिंग, तो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट मीन्स स्पीक रिकग्निशन चल रहा है। हम इसको बंद कर देंगे और आ जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बंद कर देते हैं अपने, ठीक है, और हम बनाएंगे एक फाइल, डेस्कटॉप पे फाइल बनाएंगे। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सब लोग ओपन कर लेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे सबलाइम और सबलाइम को सब लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन है, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, पाईचार्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। इस फाइल को सिंपली हम सेव कर देंगे, तो फाइल पे चलेंगे और हम सेव पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, क्योंकि बस हमें एक छोटा सा सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखनी है विद इन फ्यू लाइंस, लेस देन 10 लाइंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देंगे ऐसे ही test.py, ठीक है, क्योंकि हमें क्या रखना है, हमें पाइथन का एक्सटेंशन रखना है, पाइथन की फाइल है तो .py लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ें इंपोर्ट करेंगे अपने स्पीच रिकग्निशन वाले मॉड्यूल को। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ लिखेंगे speech_recognition, ठीक है, स्पीच रिकग्निशन एज एस, ठीक है। तो हमारा स्पीच रिकग्निशन क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम स्पीच रिकग्निशन मॉड्यूल के अंदर की चीज़ें इस एस की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, तो कमेंट लगा दूंगा क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ रिकग्नाइजर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए आप एक वेरिएबल ले लीजिएगा SR, और क्योंकि ये रिकग्नाइजर है स्पीच रिकग्निशन के मॉड्यूल में, तो हम लिखेंगे s.recognizer, ठीक है, recognizer, और सिंपली ये क्लास है तो आप ऐसे यूज़ करोगे, ये कंस्ट्रक्टर होगा उसका और इसके अंदर है तो s डॉट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये स्पीच रिकग्निशन हमारी ऑडियो लिसन करने में और रिकग्नाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने माइक्रोफोन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट मीन्स हम लोग ओपन करेंगे अपना माइक्रोफोन, तो हम यहाँ एक मैसेज दे देंगे दैट I am your script and listening you, ठीक है, listening you --, लगा दिए जिससे ये मैसेज दिखेगा आपको। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है माइक्रोफोन का, तो हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम बनाएं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो इसीलिए मैं विद कीवर्ड का यूज़ करूँगा, विद एस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन, बस ये क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे और लिखेंगे इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे। तो एज लिखेंगे, एज सोर्स लिख सकते हो या एम लिख सकते हो, माइक्रोफोन, एम फॉर माइक्रोफोन, ठीक है। अब हम लोग लिसन करेंगे तो एक वेरिएबल ले लेंगे अपना ऑडियो को स्टोर करने के लिए और लिसन करेंगे sr.listen फंक्शन से, किससे, लिसन फंक्शन से, और सोर्स अपना पास कर देंगे दैट मीन्स एम। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये इस माइक्रोफोन को यूज़ करके
जो आप बोलोगे उसको लिसन कर लेगा और वो ऑडियो इस वाले वेरिएबल में डाल देगा, सिंपली ऑडियो, इसमें ऑडियो आई है। अब हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे इस ऑडियो को, दैट मीन्स हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑडियो को स्पीच में। तो SR के पास एक फंक्शन है रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल, ठीक है। तो बेसिकली इस स्पीच रिकग्निशन के पास बहुत सारे इंजन है स्पीच को रिकग्नाइज करने के लिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाते भी हो तो यहाँ पे देख सकते हो स्पीच रिकग्निशन इंजन। तो हम लोग बेसिकली इसी में से एक इंजन यूज करने वाले हैं और उस इंजन का जो फंक्शन है वो है रिकग्नाइज रिकग्नाइज अंडरस्कोर गूगल, ठीक है। और इसको हमें देना है अपना ऑडियो, तो हम लोग अपना ऑडियो दे देंगे, कॉमा लगा के दे देंगे, लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज में भाई आप स्पीक कर रहे हो, तो लैंग्वेज में लिख देंगे हम इंग्लिश इंडियन IN, ठीक है, परफेक्ट। बस ये हमें दे देगा हमें स्ट्रिंग, तो हम लिख देंगे क्वेरी डैश, परफेक्ट, ठीक है। उसको ऊपर कर देंगे और फिर अपनी क्वेरी को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कि भैया क्या रिकग्नाइज हुआ है। अब इस माइक्रोफोन वाले ऑब्जेक्ट को क्लोज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली विद कीवर्ड के साथ आपने यूज किया है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया स्पीच रिकग्निशन का। हम लोगों ने बहुत ही कम लाइनों में ये प्रोग्राम बना लिया, जो स्पेस इधर भी है उसको हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। तो आप देख पाओगे कि 6-7 लाइन में आपका काम हो गया। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए हम सेव करेंगे और हम रन करेंगे अपने डेस्कटॉप पर रखे हुए टेस्ट प्रोग्राम को। तो हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम लोग आ जाएंगे डेस्कटॉप पे और टाइप करेंगे कमांड पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप एंटर करोगे देखिए ये कहेगा आई एम योर स्क्रिप्ट, आई एम लिसनिंग यू। तो अब मैं बोलता हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो इसने क्या रिकग्नाइज किया, आई एम लिसनिंग यू। फिर से मैं रन करता हूँ और कुछ ज़्यादा लंबा सेंटेंस बोलने की कोशिश करता हूँ। हेलो माय नेम इज़ राम एंड आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी गुड इन पाइथन। हेलो माय नेम इज़ राम एंड आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी गुड इन पाइथन, परफेक्ट। हमारा ये जो स्क्रिप्ट है देखिए कितने अच्छे से काम कर रही है और हम अपना इनपुट ऑडियो के फॉर्मेट में भी दे पा रहे हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि लखनऊ इज़ अ वेरी गुड सिटी विद लेस पॉल्यूशन, तो आप देखो आप यहाँ पर चलाओगे हेलो फ्रेंड्स लखनऊ इज़ वेरी गुड सिटी विद लेस पॉल्यूशन सो इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर लिविंग। आप देख सकते हो कि कितना परफेक्टली काम कर रहा है। हेलो लखनऊ, हेलो यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया इसने, लखनऊ इज़ वेरी गुड सिटी विथ लेस पॉल्यूशन सो इट्स वेरी सुटेबल फॉर लिविंग, परफेक्ट काम कर रहा है। सर्च ऑन यूट्यूब लर्न कोड विद दुर्गेश चैनल, तो आप देख पाओगे कितना परफेक्टली काम कर रहा है। सर्च ऑन यूट्यूब लर्न कोड विद दुर्गेश चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हम लोगों ने कोड बनाया है वो कितना परफेक्टली काम कर रहा है और ट्रस्ट मानिए ये जो कोड है आपका वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है फ्यूचर में। हम लोग इस वॉइस टू टेक्स्ट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपने चैटबॉट का 4th वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग ऑडियो से भी इनपुट लेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।